हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको नी लेंथ प्लाजो बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ जो है वो 44 इंचेस है। और अगर आपको हेल्दी कुकिंग रेसिपीज देखनी है तो मेरे कुकिंग चैनल द वेजिटेरियंस को भी सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। और इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। अब ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड किया है। ये देखिए, इस तरह से 1.5 मीटर कपड़े को सेंटर से फोल्ड किया है मैंने लेंथ वाइज। अब हमें इसको एक फोल्ड विड्थ वाइज भी करना है, यानी कि चौड़ाई में भी एक बार फोल्ड करना है इस तरह से। और अब कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब ये जो मैंने फोल्ड किया है, ये किस हिसाब से किया है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपको प्लाजो का घेर चाहिए, एक लेग का फ्रंट साइड का जितना भी घेर चाहिए उतना हम लेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये मेरी प्लाजो है एक, तो इसका जो ये घेर है इसको मैं मेजर करूंगी और इस हिसाब से हमें उसमें लेना। तो ये 18 इंच का आ रहा है और इस तरह से यहाँ पर हमारा वैसे 18 इंच आना चाहिए, लेकिन मेरे को ज्यादा घेर नहीं चाहिए, मुझे कम घेर का बनाना है तो मैं यहाँ पे 16 इंच का ले रही हूँ। ये मैं 28 कमर के लिए बना रही हूँ। तो अगर आपकी कमर 28 से ज्यादा है या आप थोड़े से हेल्दी हैं तो जो फोल्ड मैंने 16 इंच का किया है उसको आप 20 से 25 इंच का करीब करें, उससे कम नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आपका मेजरमेंट ही गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको फोल्ड करने के बाद बाकी का जो कपड़ा है, ये इधर वाला कपड़ा मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा कट कर दिया है और इस बचे हुए कपड़े से मैं पॉकेट और बेल्ट बनाऊंगी। और ये जो बाकी कपड़ा है, अब मेजरमेंट इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करूंगी, तो उसके लिए पहले हमें फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा निकालना है। तो इसको इस तरह से मैंने ओपन किया और एक फोल्ड में खाली इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड किया। देखिए, जैसे जो मैंने अभी 15 इंच का मेजरमेंट रखा था इतना ही मैंने इसको रखा है, एक फोल्ड किया है। और अब मैं फ्रंट पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो लेंथ रेडी नाप है 23 इंच, उसमें 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो 24.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा के इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी। अब हमें इसको कट कर देना है बाकी कपड़े को। और अब मैं इस कपड़े से फ्रंट का पार्ट बनाऊंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कपड़ा देखिए सिर्फ एक फोल्ड में रखा हुआ है, ये देखिए। और ऊपर से मैंने आधा इंच का पहले मार्जिन के लिए निशान लगा लिया है। ये देखिए, ये 16 इंच की इसकी चौड़ाई है, तो बिल्कुल इसका सेंटर हमें लेना है। तो बिल्कुल 8 इंच पे मैं इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे निशान लगाऊंगी, दोनों साइड पे 8 पे। इसको नीचे को स्ट्रेट कर देना है। अब आपकी कमर जितनी भी है उसको आप 4 से डिवाइड करें। और जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच। अब 7 का आधा ये लाइन के सेंटर वाली लाइन की एक तरफ और बाकी का आधा दूसरी तरफ पे हमें रखना है। जैसे 7 का आधा हुआ 3.5 इंच और उसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 4 इंच हुआ। तो 4 इंच मैं लाइन के एक तरफ और 4 इंच लाइन के दूसरी तरफ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब आप दोनों में से कोई भी 4 इंच वाला एक पॉइंट ले लें। तो जैसे मैं ये फोल्डेड साइड वाला पॉइंट ले रही हूँ। तो यहाँ से अब आसन के लिए निशान लगाना है हमने। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 11 इंच और ये 11 इंच किस तरह से आया है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब 11 इंच आसन आया तो उसमें से 2 इंच की ऊपर बेल्ट आएगी, तो 2 इंच मैं माइनस कर रही हूँ। तो 11 में से 2 माइनस करके आया 9 इंच। तो 9 इंच पे एक निशान इस तरह से हमें लगाना है और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से बाहर को हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट का क्रॉच कर्व 1.5 इंच का होता है और उसमें आधा इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। अब हमें यहाँ पर इस तरह से घुमाव देते हुए क्रॉच का कर्व बनाना है। अब हमें इस पॉइंट को नीचे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है और ये वाले को वहां कोने पे ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब हमें इसको कट करना है। मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्जिन हमने पहले ही इंक्लूड कर लिया था। तो ये देखिए, कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब मैं बैक के पार्ट की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने बचे हुए कपड़े को भी इसी तरह से एक फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधी तरफ को फोल्ड किया है। मैं मार्किंग सीधी तरफ पे कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो मार्किंग देखने में। तो मैंने फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ऊपर से 2 इंच की जगह मैंने छोड़ी है। देखिए, फ्रंट वाला पार्ट ऊपर से 2 इंच नीचे पे मैंने रखा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से बाहर को 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। 2.5 इंच पे इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि बैक वाला पार्ट थोड़ा सा लूज चाहिए हमें, क्योंकि बैक में इलास्टिक आएगा और फ्रंट में बेल्ट आएगी बुकरम की। तो फ्रंट फिटेड है तो बैक हमें लूज रखना ही रखना है। और अगर आप ये मेजरमेंट कम करेंगे तो इसको पहनने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको 2.5 से 3 इंच का मार्जिन जरूर लें यहाँ पर। तो इस तरह से 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको नीचे को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आसन के लिए तो बैक का आसन में 1.5 इंच और आगे को बढ़ा रही हूँ। इस तरह से बढ़ाना है और इसमें हमें यहाँ पे क्रॉच का कर्व बना देना है। बैक में मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट में हमने ऑलरेडी मार्जिन ले लिया था। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे ऊपर को 1.5 इंच पे एक निशान हमें और लगाना है। तो अब इस पॉइंट को हमें यहाँ कोने में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। मार्जिन नहीं लेना है, मार्जिन पहले ही हमने फ्रंट में ले लिया था। तो इस तरह से पूरे को हमें कट कर देना है। अब ये कटिंग हो चुकी है और बैक का पार्ट देखिए, बैक के 2 पार्ट्स हमारे इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। मैंने ये फ्रंट के 2 पार्ट्स लिए हुए हैं और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए रखा हुआ है। अब हमें इसके आसन में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हमें इसका आसन सिल देना है। तो ये देखिए मैंने इसका आसन सिल दिया है और सेम इसी तरह से मैंने बैक वाले के भी दोनों आसन को सिल दिया है यहाँ पर। अब मैं इसमें पॉकेट बनाऊंगी। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है। अब ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर आप देख सकेंगे, ये ओपन वाली साइड से मैं यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और नीचे को लगभग 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें इसको कट कर देना है। कट होने के बाद फ्रंट का हिस्सा कुछ इस तरह से दिखेगा और ये 2 पॉकेट्स बनके हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। अब पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़े का पीस लिया है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए है क्योंकि हम पॉकेट 2 एक साथ कट कर रहे हैं। अब इसको सेंटर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच की और इसकी जो लंबाई आई है वो 9 इंच की लगभग है। अब हमें अपना फ्रंट वाला हिस्सा लेना है जो हमने अभी कट किया था और देखिए ओपन वाली साइड को होनी चाहिए दोनों की। और अब यहाँ पर इसी मेजरमेंट पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग सिर्फ एक पार्ट में करेंगे। ये देखिए जिसमें हमने निशान लगाया ऊपर से, सिर्फ इस पार्ट की हमें इसमें कटिंग करनी है और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, उल्टी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए कपड़े की। और इसमें जो हम सिलाई लगाते हैं वो पॉकेट की सीधी तरफ पे लगाते हैं। तो ये देखिए सीधी तरफ पे कपड़ा मेरा रखा है तो नीचे हम इसमें स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ पे। तो ये देखिए मैंने कपड़े को सीधी तरफ पे सिलाई लगाई है। अब हमें इसको उल्टी तरफ को टर्न कर देना है, रॉन्ग साइड को। अब मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है और इसको सीधी तरफ को रखा हुआ है, सीधी तरफ ऊपर है कपड़े की। अब हमें पॉकेट लेनी है और पॉकेट की ओपन साइड बाहर को होनी चाहिए देखिए। और अब इसको हमें ये वाले पार्ट को उठाना है इस तरह से और इस डिजाइन के जो हमने अभी कट किया था इसके ऊपर रखना है और स्ट्रेट सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पीछे की तरफ को टर्न कर देंगे। तो ये देखिए एक पॉकेट बनके तैयार है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड की पॉकेट भी बना लेनी है। और ये देखिए मैंने दोनों पॉकेट बना ली हैं। अब मैं इसकी पॉकेट में लेस लगाऊंगी डिजाइन के लिए। तो ये मैंने पतली एक लेस ली है। तो इस तरह से दोनों साइड पे मैंने लेस लगा दी है। अब बेल्ट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पैंट की कमर के जितनी आनी चाहिए। तो बेल्ट अटैच करने से पहले एक बार आप अपना फ्रंट का हिस्सा नाप लें कि ये कितना इंच का आ रहा है क्योंकि फ्रंट में बेल्ट लगेगी बुकरम की। तो ये बिल्कुल फिटेड होना चाहिए, बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। ये आपकी कमर का आधा हिस्सा आना चाहिए और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड होना चाहिए। जैसे कि मेरी कमर है 28 इंच की तो कमर का आधा हिस्सा हुआ 14 इंच और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड किया तो 15 इंच का ये इस तरह से बनना चाहिए। अब मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और इसकी लंबाई भी हमारी कमर के जितनी होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। और ये जो बेल्ट है ये मैंने लगभग 5.5 इंच चौड़ी ली हुई है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और ये 2 इंच वाला जो बुकरम है इसको बिल्कुल यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसको प्रेस से चिपका देना है या फिर इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस से चिपका दिया है और ओपन होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। एक साइड में ये चिपका है बिल्कुल सेंटर पे और कोने में आप देख सकते हैं आधा इंच का मार्जिन छूटा हुआ है अभी। अब हमें बॉटम पार्ट में बेल्ट को अटैच करना है। तो बॉटम पार्ट को पहले उल्टी तरफ को आप रखें इस तरह से। अब हमें ये बेल्ट को उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बेल्ट की जो सीधी साइड है वो नीचे बॉटम वाले पार्ट के उल्टी ओर को रखी हुई है। और ये जो ऊपर हिस्सा है, ऊपर वाले में बुकरम नहीं है, वो वाला हिस्सा हमने ऊपर रखा है। और इस तरह से स्ट्रेट इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उठाएंगे तो नीचे देख सकते हैं आप, दोनों पॉकेट्स हमारी ऊपर से ज्वाइन हो चुकी हैं इसमें। तो पॉकेट ज्वाइन होने के बाद इसको हम सीधी तरफ को टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर आधे इंच को इस तरह से फोल्ड करना है जो बचा हुआ कपड़ा था, और फ्रंट साइड को इस तरह से हमें रख देना है। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए आधा इंच का कपड़ा ऊपर है, इसको हमें ऐसे टर्न करना है और नीचे को इस तरह से रख के फ्रंट साइड में यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। और इस तरह से आप बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में भी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये देखिए मैंने इसमें स्ट्रेट सिलाई लगा दी है, दोनों साइड से फिनिशिंग आ गई है। अब बैक वाले पार्ट में हमें बेल्ट अटैच करनी है, तो उसके लिए मैंने बैक वाला हिस्सा लिया है और इसके लिए भी सेम इसी तरह से बेल्ट कट करी हुई है। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कमर जितनी होनी चाहिए और जो इसकी लंबाई है वो है 5.5 इंच की। और अब मैंने 2 इंच चौड़ा ये इलास्टिक लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी आधी कमर के जितनी होनी चाहिए। तो जैसे कमर 28 इंच है तो जो इलास्टिक है वो 14 इंच का होना चाहिए, यानी कि 14 इंच का। इसमें मार्जिन नहीं लेना है हमने इलास्टिक में, बिल्कुल एग्जैक्ट कमर का आधा। अब इसको हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरह से हमें बेल्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर रखना है। कपड़े की उल्टी तरफ बेल्ट की सीधी तरफ की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए, यानी कि बेल्ट को हमें रॉन्ग साइड में रखना है और ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने ऊपर से स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधी तरफ को हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। अब ऊपर से कमर का हिस्सा आधा इंच का फोल्ड करना है और दोबारा से फोल्ड करके इस तरह से ये जो सिलाई आई है इसके ऊपर हमें रख देना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट किया था उस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और ये इलास्टिक अब लिया है मैंने 2 इंच चौड़ा, और यहाँ से हमें एक साइड से इलास्टिक को डालना है और दूसरी साइड से निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक निकाल दिया है और दोनों साइड से थोड़ा सा इलास्टिक अभी बाहर को रखा हुआ है। अब इसको हमें सिलना है, तो सिलने के लिए देखिए इलास्टिक को बिल्कुल कोने पे हमें रखना है, इस तरह से यहाँ पर कपड़े से दबाते हुए, और यहाँ पर स्ट्रेट हमें इसको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें स्ट्रेट सिलाई लगाई है और बीच में इलास्टिक हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें बिल्कुल कोने पे कपड़ा रखना है और इलास्टिक रखना है, और यहाँ पर स्ट्रेट हमें इसमें भी सिलाई लगा देनी है। कोनों में सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को आप इस तरह से खींचें। ये देखिए आप इस तरह से पूरा खींचेंगे तो जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर गैदर्स आ जाएंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से खींचा इलास्टिक और सिलाई लगाई, इससे क्या होगा इलास्टिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसी तरह से 2-3 लाइनें हमें और सिलना है। तो ये मैंने इलास्टिक इसमें अटैच कर दिया है। अब हमें इसमें अपना फ्रंट का पार्ट सिलना है, तो इसके ऊपर मैंने फ्रंट का हिस्सा इस तरह से रखा है। बैक साइड में इलास्टिक होने की वजह से कमर थोड़ी कम हो जाएगी और फ्रंट का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि बैक में हमने इलास्टिक लगा दिया है। अब दोनों की सीधी तरफ को एक दूसरे के मुंह करते हुए रखना है और इसकी साइड में हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल नीचे तक। दूसरी साइड से भी आप इसको मिलाते हुए रखें और सिलाई लगाएं। ये देखिए दोनों कमर के हिस्से को मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा है और यहाँ से हमें नीचे को सिलते जाना है। और यहाँ कोने पे हमें अपनी पॉकेट को भी रखना है ताकि कोने का हिस्सा पॉकेट का अटैच हो जाए। तो पॉकेट के ऊपर से इस तरह से कपड़ा रखते हुए हमें इसमें नीचे तक सिलाई लगानी है। ये देखिए ये एक साइड हमने सिल दिया है साइड में, और दूसरी साइड देखिए बैक वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है और फ्रंट का बड़ा है, तो कोई मायने नहीं रखेगा, बस हमें इसके कोने इस तरह से करते हुए सिल देने हैं। पूरे को नीचे तक मैंने सिल दिया है। ये देखिए अब हमें इसके इनर लेग्स भी सिल देने हैं और यहाँ से डबल फोल्ड कर देना है।